Hello and welcome guys, this is Ocean Dosh, Tash Dosh. We are once again back with Filmy Friday and this Friday is Ranbir Katrina star Jagga Jasoos. So let's see how the film is going. Come with me. And it's torturous. It's a disaster and torturous. So 2 hours, जो ढाई घंटे की मूवी थी, मुझे नहीं लगता है कि कोई झेल पाएगा. दो बार मैं सो गया था और सिर्फ मैं ये फिल्म अनुराग बासु की वजह से मैं देखने आया था. Expectation was good, but after watching the movie, like it is a disastrous movie. Songs, मुझे लगा कि बर्फी हम लोगों ने देखी थी, बर्फी में तो अच्छे गाने थे, लेकिन इसमें एक भी गाने अच्छे नहीं थे. एक गाना अच्छा था, वो गलती से मिस्टेक वाली गाना, वो अच्छा था. इसके लोग कुछ भी अच्छा नहीं था इसमें. हाँ ठीक था, बट फिल्म अच्छी नहीं थी. मतलब कि पेयर मतलब रोमांस भी ऐसा, रोमांटिक ट्रैक भी कुछ अच्छा नहीं है. कुछ भी इसमें अच्छा नहीं था जिसको देखने के बाद आपको लगे कि यार देखना चाहिए, या फिर किसी को बताना चाहिए यार फिल्म अच्छी है, इसको देखो देखो देखो. मतलब कि बहुत झलाओ पकाओ मूवी है और मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसको रिकमेंड करना चाहिए कि आप ये फिल्म देखो यार. मूवी का पूरा पार्ट म्यूजिकल है, जो कि रणबीर को बोलने नहीं आता, भकलाता, तो पूरा म्यूजिकली उसने बोला गया. और इट्स लाइक अ हॉलीवुड मूवी एंड इट्स अ फर्स्ट टाइम, जैसे हॉलीवुड जैसी ही एक मूवी उन्होंने कोशिश, अनुराग बासु ने कोशिश की है यहाँ पे लाने की. तो इट वाज अ गुड मूवी, आई कैन फील इट वाज गुड. मतलब दोनों की केमिस्ट्री एज यूजुअल अच्छी लग रही थी. ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका कुछ है ऐसा. या इट इज़, आई फील इट इज़ वेरी नाइस मूवी, अल्टीमेट मूवी, ब्रिलियंट मूवी. मस्त, अल्टीमेट, ब्रिलियंट. जो सॉन्ग्स हैं 29 सॉन्ग है. सॉन्ग के माध्यम से पूरा मूवी पर बेस्ड है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, तो जब वो सॉन्ग गाता है तब मूवी नरेट होती है, पूरे सॉन्ग पर आधारित है. गुड, ऑल गुड. एक्सपेक्टेशंस थी, पर अच्छी है मूवी, लोगों को देखना चाहिए. डिज्नी पे है एंड स्टोरी थोड़ी हटके है, लास्ट मूवी जो थी उससे थोड़ी हटके है. और रणबीर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लाइक जो बर्फी में की थी वो जैसी एक्टिंग है. अच्छा है, उनका जो ब्रेकअप हो गया था उसके बाद जो उनकी केमिस्ट्री दिखाई है बहुत अच्छी है. ऑन स्क्रीन म्यूजिक गलती से मिस्टेक और कुछ गाने सुपर. हाँ, एक उल्लू का पट्टा है एंड ये गलती से मिस्टेक और एक साइड सॉन्ग भी है, वो बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छी लगी. हाँ, सो ओवरऑल एक डिफरेंट मूवी है. अनुराग बासु ने यू नो 3 साल लगाए इस फिल्म को बनाने के लिए, तो ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग मूवी आई कैन से. इट्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस. डिफरेंट ट्राई किया इन्होंने, सो इंडियन ऑडियंस शुड हैव सम पेशेंस. तो जैसे जैसे लोगों को, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को अच्छी लगे, तो देखते हैं फिर क्या होता है इसमें. म्यूजिक काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, म्यूजिक इज आउट, क्योंकि ये म्यूजिकल मूवी है, क्योंकि रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, सो वो जो हकला रहा है उस पर, तो ही हैज़ टू सिंग इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट. तो इसके लिए ये म्यूजिकल फिल्म है, तो म्यूजिक हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, फायर ऑफ फायर विद म्यूजिक. सो ऐसा समवे आई कुड फील कि यू नो ब्रेकअप हुआ इन लोगों का, एंड समवे डाउन द लाइन की केमिस्ट्री थोड़ी सी मुझे लगी कि ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट थोड़ा सा. बट मैं कोई फिल्म क्रिटिक हूँ नहीं, जो मुझे लगा वही बता रहा हूँ मैं. सो ओवरऑल अगेन केमिस्ट्री वॉज गुड, but not up to the mark, मैं ऐसे बोलूँगा. It was really good movie, average movie. Yeah. So did you like the music a lot? Yeah, music was good. Like some songs of the music were good. That Umar hai, that Galti se Mistake song and that Ullu ka Patta song was very good. Some songs were amazingly nice. When Ranbir was talking to Katrina, they were singing, like singing ke saath ek communication rakha gaya hai. Wo kaafi interesting hai dekhne ke liye. बट एक पूरी स्टोरी को आप पूरा म्यूजिकल करके दे आर कनेक्टिंग ऑल ओवर थ्रू म्यूजिक, दैट इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में लोग इतने थोड़ा पचा नहीं पाते हैं. लाइक क्राउड इज बिलो द अंडरस्टैंडिंग लेवल वेयर दे आर मैचिंग अप. एक ब्यूटी एंड द बीस्ट आई थी जो कि सेम म्यूजिकल थी, वो इंडिया में थोड़ा उतना रन नहीं कर पाई. तो सिमिलरली लाइक दिस मूवी, इट वॉज वेरी गुड मूवी. लाइक काइंड ऑफ पीपल हु लव द म्यूजिक, उनके लिए अच्छी मूवी है. बट थोड़ा जो नॉर्मल क्राउड है वो काफ़ी बोर हो सकता है एंड में, क्योंकि इमोशनली टच नहीं कर पाती कहीं कहीं मूवी. थोड़ा लगता है कि म्यूजिक ने, एक्स्ट्रा म्यूजिक ने कहीं कहीं स्टोरी को वीक कर दिया है. So, रणबीर और कैटरीना की केमिस्ट्री कैसी लगी?
रणबीर कैटरीना की स्टोरी और थोड़ी कम इतना ज़्यादा कनेक्शन ही था बट इट वाज़ ओके इट वाज़ क्यूट रणबीर वाज़ क्यूट व्हेन ही वाज़ डिक्टेटिंग लाइक सेइंग लाइंस टू कैटरीना बट कैटरीना वाज़ ओके ओके शी वाज़ प्रिटी एज ऑलवेज एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम मीट करती है क्योंकि 3 साल मैंने इस पिक्चर के लिए वेट किया है उसके बाद कोई मूवी आती है और हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आते हैं इतने पावर के साथ जोश के साथ सुबह सुबह उठ के और थोड़ा सा मूवी कमज़ोर हो जाती है तो बुरा लगता है मूवी काफ़ी अच्छी है एक बार तो देखना बनता है रणबीर कपूर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और कैटरीना ने भी उस एक्टिंग को मैचअप करने की कोशिश पूरी तरीके से कोशिश की ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ट्राई कर रही है यू नो इट्स रियली नेचुरल अनुराग बासु का डायरेक्शन मतलब बर्फी के बाद उन्होंने इतने साल लगाए ये मूवी बनाने के लिए तो वो परफेक्शन हमें नज़र आता है और जो सिनेमाटोग्राफी है ऐसी सिनेमाटोग्राफी आपने बॉलीवुड में अब तक नहीं देखी और ऐसी स्टोरी टेलिंग जिसमें गानों के साथ मूवी बता रहा है वो भी नया है बॉलीवुड में तो ये देखनी चाहिए मुझे हाँ इट वॉज या मुझे लगा कि कुछ कुछ गाने थोड़े ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे और वो बिल्कुल अप टू द मार्क थे जितना चाहिए था उतना ही इट्स नॉट लाइक रोमांटिक पेयरअप पूरे मूवी में वो जासूसी कर रहे हैं पर मूवी में कुछ मोमेंट्स है जो कि काफ़ी अच्छे हैं उन दोनों के बीच में तो वो केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा महसूस 4.5 स्टार की तो बात ही नहीं कर रहा स्टार देने लायक फिल्म है ही नहीं मतलब स्टार देने लायक बात ही नहीं है कुछ एक भी स्टार नहीं दे सकते स्टार्स आई विल गिव इट 4 5 में से 4 स्टार 3 आई वुड गिव 4.5 आई विल गिव 3 स्टार तो देखा आपने दर्शकों का क्या कहना है किसी को फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई तो किसी को इतनी ज़्यादा नहीं वी हैव अ मिक्स रिस्पॉन्स फॉर जग्गा जासूस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले दिनों में फिल्म एक अच्छी पेस पकड़ेगी इट्स आशुतोष साइनिंग ऑफ फॉर लहरे